हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी या क्रूडा होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में, कंप्लीट ड्रग पिक्चर एंड इस रेमेडी की जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, 4 से 5 ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे ये रेमेडी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकॉन को प्रेस कर लें एंड मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज अ होम्योपैथ, इस रेमेडी के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन इस रेमेडी में देखी है वो सारा कुछ मैंने अपने पेशेंट के साथ पाया है। बेसिकली इस रेमेडी के साथ हम अगर जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक कॉफिया क्रूडा जो है कॉफ़ी प्रिपरेशन रेमेडी है, और इसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो सेंसिटिविटी के साथ करेक्टरिस्टिक जाती है हर पेशेंट के साथ। इसको सेंसिटिविटी में आप कवर कर पाएंगे। स्पेशली इसकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो किस में है, टच में, स्मेल में एंड इमोशंस में सेंसिटिविटी आपको ज़्यादा मिलती है। सो दैट ये जो रेमेडी है हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे माइंड पे बहुत अच्छा काम करती है। तो माइंड की जो सिकनेस है, जहाँ पे स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम है, कॉफिया क्रूडा एक्ट वंडरफुली। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक सिम्टम है और इस रेमेडी की सेंसिटिविटी आपको पता है, तो यू कैन डेफिनेटली क्योर मैनी मोर केसेज ऑफ स्लीपलेसनेस। सेकेंड, इफ पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ हिस्टेरिया, फेंटिंग अटैक्स, वर्टाइगो एंड साथ में इमोशनल अपसेट्स मिले, जहाँ पे पेशेंट को लॉफिंग अल्टरनेट विद क्राइंग मिले, क्राइंग लॉफिंग देन क्राइंग, इस तरह का अगर स्टेट मिलता है तो दिस रेमेडी ट्रीट पेशेंट वंडरफुली। इसके बाद जो हेडेक की कंडीशन है, ऐसे पेशेंट जिनमें ज़्यादा बात करने की वजह से, मेंटल एग्जर्शन की वजह से एक साइड में हेडेक होने लगे, और वो हेडेक कैसा होता है, प्रिकिंग हेडेक, जैसे कोई उसमें प्रिक कर रहा है, और इतना ज़्यादा वो पेन बढ़ जाता है कि पेशेंट एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाता है, ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर, है ना। इस तरह का एक नरेशन आपको मटेरियल में मिलेगा, बट एक्चुअली इसका जो क्लिनिकल हम अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो पेशेंट अपने हेडेक की वजह से इतना ज़्यादा डिस्पेयर हो जाता है कि वो एक जगह पे रह ही नहीं पाता, कंप्लीट रेस्टलेसनेस के साथ रहता है। तो इस रेमेडी में कई सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी फॉर सेंसिटिविटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सेंसिटिव रेमेडी है। थोड़ा सा भी पेन हुआ, थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ, कोल्ड का एक्सपोजर हुआ, देयर विल बी चेंजेस, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि पेशेंट को अगर खाने में कुछ समझ नहीं आया तो कुछ सेंसिटिविटी टेस्ट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा है, स्मेल को लेकर के, नॉइज़ को लेकर सेंसिटिविटी है। नेक्स्ट वोमिका भी यहाँ पर बहुत क्लोज जाती है, यू नीड टू डिफ्रेंशिएट। साथ में ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, क्विक टू एक्ट एंड दे आर हैविंग मल्टीपल आइडियाज़ इन देयर माइंड, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं अपनी चीज़ों को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने काम को करने के लिए, और वो रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से रिएक्ट करते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में अगर हिस्ट्री है सरप्राइज़ की, स्पेशली जॉयफुल इवेंट्स, खुशी की कोई सरप्राइज़ हुआ, किसी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई जिससे वो चाहते थे, या फिर लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो वो काफ़ी दिनों से उनका ड्रीम था और पूरा नहीं हो पा रहा था, और एक जॉयफुल मोमेंट आया, सरप्राइज़ मिला, और उसके बाद से एकदम से वेकफुल नाइट्स हो गई, नींद ही नहीं आ रही, कंप्लीट स्लीपलेसनेस फॉर मैनी नाइट्स, वहाँ पे कॉफ़ी या क्रूडा हमें ऐसे पेशेंट के साथ काफ़ी हद तक हेल्प करती है। और ऐसे पेशेंट जो नाइट वॉच किया, जिन्होंने काफ़ी दिनों तक, एंड वहाँ पर भी अगर कोई जॉयफुल कंडीशन होती है, ये रेमेडी हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है। साथ में जो पेशेंट्स होते हैं, जो हिस्टेरिकल कंडीशन के पेशेंट होते हैं, कोई सरप्राइज़ मिला, कोई कुछ ऐसी बात हुई जॉयफुलनेस की वजह से, एंड उन्हें फेंटिंग अटैक्स आने लग गए, और उस अटैक्स की वजह से पेशेंट नर्वस हो गए, एंड साथ में ही जो एक्सट्रीमिटीज़ है आप देखेंगे ट्रेम्बलिंग होने लगी, वहाँ पे कपकपाहट होने लगी, वीकनेस इस्टेब्लिश हो गई, और पेशेंट जो है अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड के साथ बिहेव करने लग जाए, वहाँ पे डिलीरियम में या डिल्यूजन में चला जाए, दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनके साथ आप देखेंगे कि वेदर का चेंज हुआ या कोल्ड का फिक्शन हुआ, उन्हें जॉ लाइन में पेन होने लग जाए या हेडेक होने लग जाए, साथ में उन्हें टूथेक होने लग जाए, दांत में दर्द हो, और वो जो दर्द होता है आप देखेंगे कि आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी लेने से, आइसी कोल्ड वाटर जिसे बोलते हैं, माउथ में लिया पेशेंट ने, जब तक वो पानी मुँह में है पेशेंट फील बेटर, कंपा पे पेशेंट को रिलीफ देता है, ठीक है। और जैसे ही वो पानी नॉर्मल होने लगता है, गर्म होने लगता है, उसका जो पेन है वापस से आने लग जाए। तो जॉ लाइन के जो पेन्स होते हैं एसोसिएटेड विथ हेडेक एंड टूथेक, कॉफिया क्रूडा वहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स
देती है। और ऐसे पेशेंट जिनमें सेंसिटिवनेस पेन की बहुत ज़्यादा हो, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की डिसमेनोरिया की हिस्ट्री रही हो और पेन बहुत सीवियर होते हों, कॉफिया क्रूडा एक्यूट कंडीशन में आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर उनके साथ क्लॉट्स की हिस्ट्री रही हो, लार्ज ब्लैक क्लॉट्स जा रहे हों, तो वहाँ पर ये रेमेडी काम नहीं करती, यू नीड टू गिव अनदर रेमेडी। स्पेशली यहाँ पे कैमोमिला हमें काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। सो इस रेमेडी की जब आप अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, आप क्या देखेंगे, देयर विल बी सेंसिटिविटी फॉर नॉइज, टच, चेंज ऑफ वेदर, जॉय, सरप्राइजेस। तो वहाँ पे आपको नर्वस अफेक्शंस दिखेंगे, नर्वस सिस्टम पे काफ़ी अच्छा एक्ट करती है। तो ऐसे पेशेंट जहाँ पे एक्यूट एग्जर्वेशन हुआ हो, एक्यूट सरप्राइजेस हुए हैं, जॉयफुल कंडीशन आई हो या वेदर का चेंज हुआ हो, ट्रेम्बलिंग आई हो, वीकनेस आ गया हो या फिर हिस्टेरिकल कंडीशन जहाँ पे पेशेंट डिल्यूजन या डिलीरियम में चला गया हो, दिस रेमेडी क्योर दिस टाइप ऑफ केसेस वेरी नाइसली एंड वेरी ईजली। तो आप इस तरह की रेमेडी को समझ करके अपने पेशेंट को देख सकते हैं और इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन बहुत सारी हैं जहाँ पे ये रेमेडी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करती है। अगर आप इस तरह से अपनी रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप फेल करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियोज़ आप सभी को पसंद आते हैं तो ज़रूर से मुझे कॉमेंट करके बताएँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।